नारायण नारायण, आज का विषय है भक्ति का मतलब ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम। किसी बड़े यंत्र में एक चक्र शुरू हुआ कि शेष सभी चक्र भी अपनी अपनी गति शुरू कर देते हैं। हमारे मन की भी ऐसी ही स्थिति है। मन की शक्ति काम करने लगती है तो उसके साथ अन्य सब शक्तियां भी गतिमान हो जाती हैं। मन को अपनी शक्ति से नियंत्रण में लाना बहुत कठिन काम होता है। वह महान पुरुष ही कर सकते हैं। जैसे पारे को सामने उड़ेलो तो वह दिखाई देता है, लेकिन उसे लाठी से मारो तो वह मारा नहीं जाता। वैसे ही मन का है। मन है यह तो समझता है, लेकिन उसे रोकते नहीं बनता। इसलिए भगवान की शरण में जाएं। आईने पर धूल जमी होती है, इसलिए उसे साफ करने की बारी आती है। अंतःकरण की गंदगी साफ करने का काम साधन से होता है। मिर्च, काली मिर्च, नमक आदि पदार्थ मिलाकर जैसे सुंदर मसाला तैयार किया जाता है, वैसे ही भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए तीन चीज़ों का मसाला चाहिए। शुद्ध आचरण, शुद्ध अंतःकरण और भगवान का नाम स्मरण, ये वे तीन चीज़ें हैं। शुद्ध आचरण का अर्थ होता है प्रामाणिकता, धार्मिक आचार और नीति के अनुसार वर्तन। शुद्ध अंतःकरण यानी अभिमान न होना, द्वेष मत्सर न होना और सब लोग सुखी रहें ऐसी भावना से प्रार्थना करना। भगवान का नाम स्मरण यानी भगवान का कभी भी विस्मरण न होना। पति को भगवान के प्रति रुचि नहीं या विश्वास नहीं तो पत्नी को नाम स्मरण करना छोड़ने की जरूरत नहीं होती। उसने नाम स्मरण किया तो उसने पति धर्म का त्याग किया ऐसा नहीं होता। मन में उठने वाले असंबंध विचार नाम से जो प्रेम होता है उसमें बाधा डालते हैं। उनकी निर्मति ही न हो, ऐसा लगता हो तो उन विचारों को मन में आने ही न दें। एक बड़ा पुलिस अफसर चोर पकड़ने में बड़ा होशियार था। वह यह करता था कि चोर जिस औरत का दीवाना होता था उसे फुसला लेता था, तब वह चोर बकायदा पकड़ में आता था। उसी प्रकार हमारा मन जहाँ उलझता हो वहाँ भगवान को रख दो तो मन अपना काबू में आ ही गया समझो। मन को संयमित करने के दो उपाय हैं। एक है पातंजल योग और दूसरा भगवान की भक्ति। पातंजल योग का अर्थ होता है युक्ताहार विहार, नियमित जीवन और इंद्रियों का निरोध। भगवान की भक्ति यानी ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम। इस प्रेम के साधन कौन से हैं? भगवान का नाम स्मरण, उनकी कथाओं का कीर्तन, साधु समागम और साथ साथ भगवान की कृपा से उस प्रेम के साधन हैं। भगवान के स्मरण के बिना जो कर्म होते हैं वे बुरे कर्म होते हैं। कोई भी खाने या पीने का पदार्थ भगवान का नाम लिए बगैर ग्रहण ना करें। ऐसा नियम किया तो ये नाम अपने आप आता रहेगा। किसी भी परिस्थिति में हम नाम स्मरण करना न टालें, मन को चंचल ना होने दें। जो नाम स्मरण करते हुए गृहस्थी या प्रपंच करेगा उसका अभिमान नष्ट होकर उसे सुख संतोष का लाभ होगा ही। नारायण।